केंद्र सरकार वालों खेतीबाड़ी कानून बनाउण तो बाद किसान सड़कां ते रेल गड्डियां दीआं लाइनां उत्ते बैठ के धरने देण तो बाद हुण किसान जथेबंदियां वालों दिल्ली दा रुख कीता होया है अते पिछले 12 दिनां तों धरना दित्ता जा रहा है। दूजे पासे पंजाब विच किसानां दे घरे खुशी विआह शादी दे मौके भी दिल्ली विच बैठे किसानां दे अपने परिवार दे मैंबरां दे हौसले लई दुआवां भी कीतीआं जा रहीआं हन। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲੱਦੀ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਗਏ। देखो जी सानू मसा मसा है ना परमात्मा यह जो दिन लेके आता साढ़े घर वास्ते कि रिश्तेदार वास्ते परिवार वास्ते साढ़े बहुत बड़ा दायरा सारे वास्ते अज बहुत खुशी का दिन थी पर बहुत साढ़े यह रिश्तेदार भैन भरा ने जिहड़े मोदी के काले कानून करके दिल्ली बैठे ने जिहड़े कि मैरिज शामिल भी नहीं हो सके उन्होंने इन्नी मतलब तकलीफ नाले वो चल रहे ने असी कहने भी जे साडा विआह भी फिर सानू वधिया लगेगा जे काले कानून वापस ले जाएंगे तो साडे परिवार को दुगनी चार चुगनी खुशी होगी। जी आप सारे भली भांति जाणू आ पिछले 2 महीनों के पंजाब के माहौल तो यह जिहड़ा विआह यह सानू करना पै रहा डेट असी फिक्स की सी पर असी सारे जाने छेती तो छेती ये काम कंप्लीट करके ब्याह दा सारे ने असी अपने बच्चियां समेत असी दिल्ली जाना ये तिने कानून जिहड़े मोदी सरकार लेके आई है बिल्कुल किसान मारू ने ये जेकर लागू होंदे ने साडे उपर साडा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका पंजाब दा ये इयों ही सेंटर गौरमेंट दीआं नीतियां अगे जारी रहिंदियां ने तो किसान का उठ पाना बहुत मुश्किल हो जूगा। बच्चे बच्चे के मन च रोस आ ये जो असी कर रहे हैं सानू असी कह सकते हैं भी मजबूरी च करना पै रहा जे साडी डेट ना फिक्स होंदी तो असी ये पोस्टपोन कर देने से असी नाल दी नाल विआह दा काम खत्म करके परसों नूं दिल्ली चले जाना। साडे किसान भाई सड़कां ते दुखी हो रहे हैं साडा बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं कर रहा इत्थे विआह शादियां मनाउण नूं जशन मनाउण नूं पर ये भी एक जिंदगी का हिस्सा पर मजबूरी च सानू सारा कुछ करना पै रहा।